ग्राम प्रधान मालको सर्वन कुमार की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत लुधोरी में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवासों में धांधली का आरोप लगाया है। पीड़ित ने उपजिला अधिकारी को तहरीर देकर ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी पर आवासों में गबन करने की शिकायत की है। पूरे मामले पर उपजिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लखीमपुर खीरी के निघासन ब्लॉक के लुधोरी गांव में शिकायतों की भरमार है। विकास के नाम पर यहां के प्रधान और सेक्रेटरी लूट मचाए हुए हैं, लेकिन प्रशासन पर इसका फर्क नहीं पड़ता। ग्रामीण लगातार शिकायत कर रहे हैं। ग्राम प्रधानमंत्री आवास से जुड़ा है, जहां पर ग्रामीणों ने SDM से अपात्रों को आवास दिए जाने की शिकायत की है। गरीब आदमी है और ना जमीन है ना कुछ है, ना आवास मिलती है। और सुशील श्री प्रकाश कह रहे हैं जो 5,000 रुपया देती वही के कॉलोनी आवास मिलती तो हो, वैसे गरीब आदमी के कोई सुनवाई नहीं। हमारा आवास आई है, हम मजदूर आदमी और सर हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और सर हम मजदूर आदमी, अब बताओ कहाँ जाएँ, क्या करें। अब आस पड़ोस के जो हमारे आवास आई हैं, आस पड़ोस के मकान वाले के आवास बन रही, हमारी आवाज़ सर नहीं बन रही है, बताइए हम अब क्या करें। लुधोरी ग्राम में पहले सूचना मिलने पर हमने एक कार्रवाई की थी, उसमें जांच करवाई थी, उसमें यह पाया गया था कि नहीं वो पात्र व्यक्ति था, उसका नाम वरिता सूची में था, किंतु उसे अपात्र दिखाया गया था। और इसकी जांच होने के पश्चात जब खुलासा हुआ तो उस सेक्रेटरी के खिलाफ एडवर्स एंट्री की गई है, और इसके पश्चात भी नए मामले आ रहे हैं, उसकी भी जाँच करने के आदेश दिए गए हैं। अगर इस तरह का मामले में सच्चाई पाई जाती है तो उसके खिलाफ हो सकता है। लखीमपुर खीरी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द ही वापस लौटेंगे, आप बने रहिए टाइम समाचार के साथ। ग्राम प्रधान अम्बरा महेंद्र कुमार की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान अम्बरा महेंद्र कुमार की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान बरूखरी यशपाल सिंह की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।